Hi guys, मैं मिस्टर खान और आप देख रहे हैं डिजिटल बीआर यूट्यूब चैनल. इन दिस वीडियो आई एम गोइंग टू शो बेस्ट 3 वीडियो एडिटिंग ऐप फॉर एंड्रॉइड फोन. फ्रेंड्स, इस वीडियो में मैं आपको बताऊंगा 3 ऐसे एप्लीकेशन के बारे में जिसे यूज करके आप प्रोफेशनली वीडियो एडिट कर पाएंगे अपनी मोबाइल फोन से. दोस्तों, सबसे अच्छी बात यह है कि इनमें से कुछ एप्लीकेशन ऐसे हैं जिस पे आपको एक भी रुपए खर्च नहीं करना है, यानी बिल्कुल मुफ्त है वो एप्लीकेशन आपके लिए, और इससे आप अपनी यूट्यूब वीडियो को अच्छे तरीके से एडिट कर पाएंगे. अगर आप भी जानना चाहते हैं ये बेस्ट 3 एप्लीकेशन कौन कौन सी है, तो बने रहिए इस वीडियो में और लास्ट तक देखिए इस वीडियो को. तो दोस्तों, चलिए शुरू करते हैं. दोस्तों, आगे बढ़ने से पहले मैं आपको बता दूं, इन तीनों एप्लीकेशन का लिंक मैं अपनी वीडियो का डिस्क्रिप्शन में डाल दिया हूं. आप यहां से इन एप्लीकेशन को इंस्टॉल कर पाएंगे जो आपको बेटर लगे. तो चलिए एक एक करके हम इन तीनों एप्लीकेशन के रिव्यू देखते हैं कि कौन सी एप्लीकेशन हमारी वीडियो एडिटिंग को प्रोफेशनल लुक दे सकता है. तो दोस्तों, सबसे पहली नंबर एप्लीकेशन की बात करते हैं जिसका नाम है एक्शन डायरेक्टर. जी हां दोस्तों, ओपन करते हैं एक्शन डायरेक्टर और यहां पे हमारे सामने एक्शन डायरेक्टर ओपन हो गया है. यहां पे आप देख सकते हैं बहुत सारे ऑप्शन आपको देखने को मिलते हैं. आपको एडिट पे क्लिक करना है. जैसे एडिट पे आप क्लिक करेंगे, यहां पे आपके मोबाइल में जो भी वीडियोस होंगे जो आपने शूट किया होगा वो आपको दिखने लगेंगे. अब यहां से आप अपनी वीडियो को सिलेक्ट कर ले. फॉर एग्जांपल, मैं इसे सिलेक्ट कर लेता हूं और प्लस पे क्लिक कर देता हूं. क्लिक करने के बाद ये वीडियो नीचे आ गया है. अब आप चेक मार्क पे क्लिक करेंगे, ये वीडियो एडिटिंग के लिए रेडी हो गया. एडिट है यहां पे. जैसे एडिट पे क्लिक करेंगे तो आपका कोई भी वीडियो अगर खराब है उसे कट कर सकते हैं. तो पहले हम वीडियो को प्ले कर लेते हैं. तो दोस्तों, यहां से आप वीडियो को कट कर सकते हैं, यहां से आप एक्शन दे सकते हैं, एक्शन से रिपीट कर सकते हैं अपनी वीडियो को. जैसे एक ही सीन को 2-3 बार दिखाना है तो वो भी आप कर सकते हैं. चलिए बैक आते हैं, और बैक आने के बाद यहां पे आपको मिल जाता है कलर. आप कलर की कलेक्शन कर सकते हैं अपनी वीडियो को, कोई भी कलर को अप्लाई कर सकते हैं, और अप्लाई करने के बाद यहां से उसकी सेटिंग भी कर सकते हैं. और यहां से अगर प्ले करके देखेंगे तो देखिए कुछ ऐसा दिखने वाला आपको वीडियो. स्किन एस्मो मिल जाता है, इस पे क्लिक कीजिए. यहां पे ब्राइटनेस वगैरह आप सेट कर सकते हैं अपनी वीडियो का. इसके बाद आते हैं बैक, यहां पे टेक्स्ट टाइटल वगैरह डाल सकते हैं. यहां पे स्टिकर है और यहां पे ऑडियो है. दोस्तों, इसका इंटरफेस थोड़ा सा सिंपल है, लेकिन ये बिगिनर्स के लिए काफी बेटर है जिन्हें बस कट कॉपी करना है और यहां से टेक्स्ट वगैरह डाल के, स्टिकर वगैरह डाल के, म्यूजिक डाल के एडिट कर लेंगे. तो ये एप्लीकेशन बिगिनर्स के लिए काफी बेटर है. एडिटिंग कंप्लीट करने के बाद आपको प्रोडक्ट पे क्लिक करना है, और क्लिक करने के बाद यहां पे आप इसे आउटपुट ले सकते हैं HD, फुल HD, SD कार्ड में, या मोर सेटिंग करके स्टार्ट पे क्लिक करेंगे और इसका आउटपुट आपको देखने को मिल जाता है. ये थी एप्लीकेशन नंबर 1. अब हम बात करते हैं एप्लीकेशन नंबर 2 की, जो कि प्रोफेशनल है. ये एप्लीकेशन को ओपन करते हैं. इसका नाम है फिल्मोरा गो. जी हां दोस्तों, ये हमारे सामने ओपन हो गया है. यहां पे हमें क्रिएट न्यू वीडियो पे क्लिक करना है, और करने के बाद यहां पे हमें कोई भी वीडियो अपनी मोबाइल फोन से ले लेना है. तो चलिए हम वीडियो ले लेते हैं कोई भी. फॉर एग्जांपल, मैं यही वीडियो ले लेता हूं, और लेने के बाद यहां पे आपको ऐड पे क्लिक करना है, फिर नेक्स्ट कर देना है. ये वीडियो एडिटिंग के लिए आपको मिल जाएगा. ये देखिए एडिटिंग के लिए आ गया है. अब यहां पे आपको बहुत सारे ऑप्शन देखने को मिल जाते हैं. यहां पे थीम्स, अगर थीम्स अप्लाई करना चाहे तो इधर देखिए बहुत सारे थीम्स है. आप अप्लाई कर सकते हैं अपनी वीडियो के ऊपर, और उसका कलर वगैरह भी चेंज कर सकते हैं. ये देखिए, इसको एडिट भी कर सकते हैं. म्यूजिक लगाना चाहे तो म्यूजिक यहां से ऐड कर सकते हैं. यहां पे आपको मिल जाता है ट्रांजिस्टर, इस पे आप क्लिक करेंगे तो यहां पे आपको बहुत सारे इफेक्ट्स देखने को मिल जाते हैं, जो इफेक्ट्स को आप अपने वीडियो पे अप्लाई कर सकते हैं. और प्ले करके देखेंगे तो ये देखिए वो आपके वीडियो पे अप्लाई हो चुका है. फिर चलते हैं बैक. रेडियो क्रॉप, इस पे आप क्लिक करेंगे तो यहां पे रेडियो क्रॉप कर सकते हैं, यानी कि आप अपने मोबाइल से कोई वीडियो को शूट करते हैं, अगर आप चाहते हैं कि उसकी बैकग्राउंड ब्लर हो जाए तो आप यहां से कर सकते हैं. जैसे कि यहां पे देखिए क्लिक करता हूं मैं, और यहां पे अगर मैं प्ले करता हूं तो यहां पे बैकग्राउंड जो है ये यहां पे देखिए कि ब्लर हो चुका है. बैकग्राउंड को भी ब्लर कर सकते हैं काफी अच्छे तरीके से. इसके बाद है आपको एडिटिंग टूल. एडिट टूल पे क्लिक करेंगे तो यहां पे बहुत सारे टूल देखने को मिल जाते हैं. जैसे कि आप यहां से ट्रिम कर सकते हैं, यानी वीडियो को कट कर सकते हैं, क्रॉप कर सकते हैं, यहां सबटाइटल दे सकते हैं. अगर PIP पे क्लिक करें तो यहां पे आपको मिल जाता है कुछ इफेक्ट्स. अगर प्लस पे क्लिक करते हैं तो ये देखिए आप यहां पे कुछ और ऐड कर सकते हैं. यहां पे देखिए मैं इस फोटो को ऐड करना चाहता हूं, तो इस पे क्लिक करके फोटो पे क्लिक करूंगा और ये फोटो वीडियो में ऐड हो जाएगा. तो यहां पे आप इसे भी यूज कर सकते हैं. फिर चलते हैं बैक, और बैक आने के बाद यहां पे है वॉइस रिकॉर्ड, अगर करना है तो कर सकते हैं. यहां पे ऑडियो मिक्स कर सकते हैं. फिल्टर पे क्लिक करते हैं, ये देखिए यहां पे फिल्टर मिल जाता है बहुत सारा. आप अपने वीडियो पे इस फिल्टर को अप्लाई कर सकते हैं. चलिए मैंने अप्लाई कर दिया, इसे ओपन करके देखते हैं तो ये देखिए
कुछ इस टाइप से आप फिल्टर अप्लाई कर पाएंगे अपनी वीडियो पे और अपनी वीडियो को और भी अट्रैक्टिव बना पाएंगे। एलिमेंट्स का बहुत सारा इफेक्ट यहाँ पे देखने को मिल जाता है। फिर आते हैं बैक और यहाँ पे आपको टाइटल देखने को मिल जाएगा। अगर आपकी वीडियो की स्पीड बनाना है किसी जगह पे तो आप उसको स्पीड भी बढ़ा सकते हैं अपनी वीडियो की, और यहाँ पे रोटेट कर सकते हैं वीडियो को, यहाँ से एडजस्टमेंट कर सकते हैं वीडियो में, ब्राइटनेस कितना चाहिए, कंट्रास्ट कितना चाहिए, ये सारी चीजें आप यहाँ से मैनेज कर सकते हैं। इसके बाद आपको डुप्लीकेट करना अपनी वीडियो को तो कर सकते हैं, और डिलीट करना है तो कर सकते हैं। तो दोस्तों ये थी फ्री ऑफ कॉस्ट एप्लीकेशन जो कि प्रोफेशनली आप यूज कर सकते हैं, और इसका कोई भी चार्ज नहीं है ना ही कोई वाटरमार्क है। एडिटिंग कंप्लीट करने के बाद आपको सेव पे क्लिक करना है, और करने के बाद ये देखिए कि ये प्रोजेक्ट आपका सेव होने लगा और ये गैलरी में आपका सेव हो जाएगा। तो दोस्तों ये थी एप्लीकेशन नंबर 2। अब हम बात करेंगे एप्लीकेशन नंबर 3 की। तो चलिए देखते हैं एप्लीकेशन नंबर 3 जिसका नाम है पावर डायरेक्टर। ये देखिए हमारे सामने पावर डायरेक्टर ओपन हो गया है और कुछ इस टाइप का इंटरफेस आपको यहाँ पे देखने को मिलेगा। यहाँ पे मैंने पहले एडिट करके चेक किया था इसलिए यहाँ पे कुछ प्रोजेक्ट दिख रहे होंगे आपको, लेकिन यहाँ पे आपको न्यू प्रोजेक्ट पे क्लिक करना है और आपको यहाँ पे 16.9 पे आपको रखना है ताकि इसकी रेजोल्यूशन अच्छी हो जाती है, और फिर उसको ओके कर देना है। सामने ये इंटरफेस ओपन होगा, अब आपको वीडियो को सिलेक्ट कर लेना है अपनी मोबाइल फोन से। तो चलिए सिलेक्ट कर लेते हैं वीडियो को और इस पे क्लिक करेंगे और फिर प्लस पे क्लिक करेंगे, वीडियो लेयर पे आ जाता है। अब आपको वीडियो पे क्लिक करना है। क्लिक करने के बाद ये देखिए एडिटिंग टूल मिल जाता है। आप एडिटिंग टूल पे क्लिक करेंगे तो आप यहाँ पे एडिट कर पाएंगे। बहुत सारे ऑप्शन यहाँ पे आपको देखने को मिल जाता है जिसमें आप वॉल्यूम बढ़ा सकते हैं, रोटेट कर सकते हैं, कलर चेंज कर सकते हैं, स्पीड बढ़ा सकते हैं, क्लिप कर सकते हैं, क्रॉप कर सकते हैं, डुप्लीकेट और रिवर्स भी कर सकते हैं, और स्किन स्मूथ पे यानी ब्राइटनेस वगैरह आप यहाँ पे सेट कर सकते हैं। इसके बाद आता है नीचे वाला यानी कि इफेक्ट टूल, और यहाँ पे आपको मिल जाता है एफएक्स जिसमें आपको फिल्टर मिल जाता है बहुत सारे। ये देखिए अलग अलग फिल्टर्स है, आप इस फिल्टर को अप्लाई कर सकते हैं। इस पे क्लिक कीजिए, फिर एक बार और क्लिक कीजिए, ये फिल्टर अप्लाई हो गया। चलिए प्ले करके देखते हैं वीडियो। तो ये देखिए बैक आते हैं। अगर फिल्टर को आप चेंज करना चाहते हैं तो चलिए फिल्टर पे यानी एफएक्स पे चलते हैं और दूसरा फिल्टर लगा के दिखाता हूं मैं आपको। यहाँ पे क्लिक करते हैं, फिर प्लस पे क्लिक किए और ये फिल्टर लग गया। चलिए प्ले करते हैं और ये देखिए कि यहाँ पे कैप वाले पे क्लिक करेंगे तो यहाँ पे आपको मिल जाता है टाइटल, यहाँ पे स्टिकर्स मिल जाएंगे, वीडियो मिल जाएंगे, इमेज मिल जाएंगे। अगर इसमें कुछ ऐड करना चाहते हैं फॉर एग्जांपल इमेज, तो आप अपने गूगल ड्राइव से ले सकते हैं, अपनी मोबाइल से ले सकते हैं, या फिर कैप्चर भी कर सकते हैं। तो ये सारी चीजें आप यहाँ से अरेंज कर सकते हैं। इसकी सेटिंग की, तो यहाँ पे सेटिंग में क्लिक करेंगे तो बहुत सारे सेटिंग मिलते हैं जिसे आप कर सकते हैं। एडिटिंग कंप्लीट करने के बाद आपको इस वीडियो को बाहर निकालना है यानी आउटपुट करना है, तो आपको करना है इस पे क्लिक, और क्लिक करने के बाद सेव प्रोजेक्ट क्लिक करेंगे, और क्लिक करने के बाद ये प्रोजेक्ट आपके मोबाइल फोन में सेव हो जाता है। तीनों एप्लीकेशन को यूज करके प्रोफेशनल वीडियो एडिट कर सकते हैं अपनी मोबाइल फोन से। अगर आप एक यूट्यूबर है तो आपके लिए काफी बेटर रहेगा। तो दोस्तों उम्मीद करता हूं ये वीडियो आपके लिए हेल्पफुल रही होगी और ये तीनों एप्लीकेशन आपको बेटर लगे होंगे। वीडियो पसंद आया हो तो लाइक करके जाना, बिना लाइक किए मत जाना। मिलते हैं किसी नेक्स्ट वीडियो में। थैंक यू फॉर वॉचिंग दोस्तों, हैव अ नाइस डे।